वो जो हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहनते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों की फौजें जो है ना एक ही कंपनी से वो गियर खरीदती हैं वो ब्रिटिश कंपनी है तो वो बना के के इंडियंस को को भी को भी देती है पाकिस्तानी दोनों पहन वहां पे लड़ रहे होते हैं आधा आधी दुनिया इस तरह चल रही है अमेरिका दोनों मुल्कों को वेपन देता है वो दोनों आपस में मारते रहते हैं जो वेपन की फैक्ट्री है वो दोनों तरफ से पैसे कमा रही है सर आधी दुनिया चल तो रही है हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं हमने यही खड़ा रहना अनफॉर्चुनेटली अगेन दिस जो इंडिया पाकिस्तान एंटी सेंटीमेंट्स है ना ब्रिटिश करके गए हैं हमने कभी ये डिवाइड एंड कॉन्कर कहते रह गए बट वी नेवर रियली लर्न दिस लेसन कि डिवाइड एंड कॉन्कर से असल फायदा हो किस से करा नहीं एक्चुअली हम लोगों को ना मैं अब सोचने लगाऊंगा कि मेरे को इतनी दफा पाकिस्तान भी जा चुका हूं और इंडिया में भी मैं जब जो लोग जिनमें थोड़ी सी भी अकल है जो पब्लिक है जो आवाम है उनके अंदर ये सेंटिमेंट इतना है नहीं जितना ये इनकी जो दुकान चलाने वाले हैं ना पॉलिटिशियंस हो गए या फौज होगी पाकिस्तान में फौज होगी इंडिया में पॉलिटिशियंस हो गए ये सेंटिमेंट को लाइव रखना चाहते हैं लोगों का तो ऐसा कुछ है नहीं इसीलिए तो ये वीजा वगैरह नहीं खोलते आसान नहीं करते ज्यादा लोग मिलेंगे जुलेंगे यार आप खुद ही बताओ

तब तो कोई नहीं बम फाड़ के एक दूसरे के मुल्कों में फाड़ रहे थे हम तो ये रिसेंटली जो माइग्रेशन एक... चलता रहा आराम से खुल्लम खुल्ला वो तो 65 से पहले तक 64 63 तक आराम से पीपल वर शिफ्टिंग टू पाकिस्तान और फ्रॉम पीपल फ्रॉम पाकिस्तान वर शिफ्टिंग टू इंडिया विदाउट एनी क्योंकि उनको लगता था कभी भी चले जाओ कभी भी आ जाओ क्या फर्क पड़ रहा है तो those 65 के बाद थोड़ा मामला टाइट हुआ है

हर एक बंदा तो अब राइटर हो गया है ठीक है हर एक बंदा अब वो फोटोग्राफर भी हो गया है और जिन लोगों को पहले जो अपने गली मोहल्ले में कहीं आड़त की दुकानें चलाते थे या जिनको आर्टिकुलेट करना नहीं आता था, था वो सोशल मीडिया में टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी लिख देते हैं उनकी आवाजें हमको जा... और वो ही ज्यादा वोकल होते हैं तो हमको लगता है कि इन, इन, सा कर लिया है मगर असल बात यह है कि जो समझदार इंसान है वो अब भी समझदारी की बातें कर रहा है और वो जो है अभी भी कमी बोल रहा है लेकिन उसके मन में कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं है लेकिन जिन लोगों को पहले जो जिनों में जहर भरा हुआ था उनकी आवाज उनको प्लेटफॉर्म मिल गया तो हमको लग रहा है कि जहर जिनके मन में है उनकी तादाद बढ़ गई है मगर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है एक्चुअली सोशल मीडिया जो है बंदर के हाथ में उस तरह है तो वो हम हमारे आगे बंदरों को उस तरह मिल गया है इसकी पावर भी है इसकी अब वही है ना कि वो चाइनीज प्रोवर्ब है टू 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 ईच मैन इज गिवन अ की की द द द गेट्स गेट्स हेवन सेम हेल तो आप कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं उससे ये तो आप ही के ऊपर है तो सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी आवाजें सुनने को मिल रही हैं क्योंकि उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं ना अगर आप स्कूल में आपको ऐसे लिखने को दिया गया माय कंट्री ठीक है तो आप वो ऐसे लिखोगे जो बुरा लिखेगा उसके मार्क्स कट जाएंगे जो ग्रामर ठीक नहीं होगी उसके मार्क्स कट जाएंगे जो अच्छा लिखेगा उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे वो अव्वल आए आएगा अभी ये सोशल मीडिया पे तो कोई ऐसा है नहीं ना कुछ भी लिख दो वो चलता नहीं आजकल है, वो तो मैं बहुत देखता हूँ बॉबजेन वजीन <laughs> सेंट बॉब्सन हाँ तो बॉब सोशल मीडिया पे तो ये निजाम है और वो लिख के सोचता है कि यार मैं भी मैं भी मेरे को भी इतने लाइक्स मिल गए मैं भी कुछ काम की बात ही कर रहा हूँ उम्मीद में भी रहता है कि शायद कोई कभी बॉबिन वजीन भेज भी दे बट पहले पार... सामने सामने वाले को समझ तो आए ना कि रॉबर्ट मांग रहा है और क्या मांग रहा है <laughs> पहले <laughs> हम तो आप लोगों को देखा करते थे बड़ी रोज आई टेटेड लिव देयर मैं सिर्फ एक ही दफा दिल्ली आया हूं और इतना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कि मैं तो बस समझता था कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान शुड हैव बीन मतलब लाहौर और दिल्ली में आप जाएं तो अगर आपको कोई सोते हुए ट्रक में डाल के शिफ्ट कर दे तो शायद आपको पता भी ना चले कि आप दिल्ली से लाहौर आ गए हैं लाहौर से दिल्ली आ गए हैं इतने सिमिलर हैं दोनों शहर और तो हम तो देखते थे वी वीड भाई मल्टी कल्चरल है सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी है

चलते ही रहेंगे Especially democracy का ये है जो निजाम बदलता रहेगा लोगों की एंटी जाता है कि अब इसको लेके आते हैं इसको लेके आते हैं उसमें ऐसा भी होगा कि बीच में कोई एक फंडामेंटलिस्ट भी आएगा और वो वो अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेगा लेकिन हिस्ट्री ने हमें ये भी सिखाया है कि ये जो पैथरेबाजी है ज्यादा दिन चलती नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को ये है जो गिव्स मी अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ हार्ट एंड डिलाइट आल्सो आल्सो कंफर्ट के जब इन्होंने अपनी जो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करी तो जितना जो प्रोटेस्ट हुआ है ठीक है हर तबके से मतलब स्पेशली एंड आई वाज सो डिलाइटेड टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड बहुत सारे तो जेल में पड़े हुए हैं अभी तक ठीक है और वो लड़ रहे हैं और इन, इन अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही सॉलिड मतलब जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है सो so, बिकॉज जो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट होता है उसको मॉडर्न दुनिया में और कुछ चलाना नहीं आता है उसको सिर्फ मंदिर मस्जिद ही समझ में आता है और वो वही कर सकता है लेकिन आज की डेट में जब दुनिया चांद पे जा रही हो मार्स पे लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रही है मंदिर मस्जिद का क्या करना है ठीक है तो उनको ना इकोनमी चलानी आती है ना उनको एजुकेशन के रिफॉर्म्स समझ में आते हैं ना उनको कोई साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग समझ में आती है उनको वो गाय के पेशाब की बातें करने लगते हैं गाय के गोबर की बातें करने लगते हैं इससे तो थोड़ी दुनिया चलती है इवेंचुअली दिस मॉडल हैज टू फेल इट कैन नॉट सर्वाइव इट हैज नेवर सर्वाइव एंड उसका जो एक्सेलरेशन होता है जो डिसेंट का वो प्रोटेस्ट से ही आता है और जो जिस तरह से हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो, हो रहे हैं और हुए हैं पिछले छह साल के अंदर और कॉमेडी के थ्रू हम तो कॉमेडी के थ्रू करते हैं mm. मतलब सटायर के थ्रू करते हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो अपने थ्रू कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपने लेवल पे कर रहे हैं फार्मर्स आज अपने लेवल पे कर रहे हैं सो इट हैज नॉट बीन एन इजी फॉर हिम एंड इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड दैट दैट इज इज ओनली बिकॉज फॉर द लास्ट सेवेंटी ईयर जो सेकुलर और मल्टी कल्चरल इथोज इस कंट्री में जो बन गए थे ना मतलब दिस इज ऑल्सो हैबिट ना देखो हर हर सोसाइटी के अंदर ना बिगटरी होती है सर चाहे आप वेस्ट को ले लें चाहे आप एशिया को ले लें किसी हर सोसाइटी के अंदर बिगटरी है लेकिन एक निज़ाम का काम यह होता है कि कुछ ऐसे का, कायदे कानून और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हो जो उस बिगटरी को ये बोले कि अगर आप इसको बाहर लेके आएंगे तो ये अलाउड नहीं है ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा यहाँ पे दैट्स वाई वी हैव गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंक्लूसिव और सेकुलर एंड जो जस्टिस में बिलीव करती है तो वो इतना डीप रूटेड uh, हो जाना चाहिए तो अभी जिन लोगों को ये मजे आ रहे हैं ना कि हिंदू एक तो मुझे जिस कंट्री मेंसेंट हिंदू है उसमें हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है ये पाकिस्तान में भी मैं यही कहता हूँ कि इस्लाम हर चीज में खतरे में आ जाता है, तो है तो खतरे में डाल कौन है आपको तो जो जो मेजोरिटी में है वो उसको माइनॉरिटी से खतरा हो रहा है तो तुम तो वैसे ही यार मतलब तुम्हें तो अपने आप से खतरा है बेसिकली है आप, आप ये बताओ कि हिंदू खतरे में है और इतनी इतने आप पिछले छह साल से हिंदू खतरे में हुआ है उससे पहले नहीं था और इतनी यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेज इंटरफेथ फैमिलीज हैं जिनमें मतलब आधी फैमिली मुस्लिम साइड से आधी फैमिली हिंदू हिंदू साइड से मेरे इतने दोस्त हैं और उनके बच्चे मिक्स रिलीजियस एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं कुछ नहीं कुछ एक्सेप्ट किया कुछ ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो उनकी अपनी चॉइसेस रही हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट फैब्रिक वो होना इतना काम इनको लगता था केक वॉक है बिकॉज hmm. uh, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होता है उसका दिमाग बड़ा छोटा सा होता है उसके उसको दिमाग में ना इलास्टिसिटी तो नहीं नई जो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है जो इंक्लूसिवनेस है उसके अंदर में

अगर इंडिया में, yeah. लोग आते हैं yeah. दिल्ली में लोग निकल कर आते हैं पाकिस्तान का हम अगर मैं अपना जिक्र करूं अपने मुल्क का अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ फोर्स कन्वर्जन भी होती है रिसेंटली केसेस yeah. आए थे छोटी सी हिंदू लड़कियों को किडनैप करके yeah. चलो मान लिया मान yeah. लिया कि भाई आपको इतना शौक है इस्लाम की तबलीग करने का कि आपने बच्चियों को मुसलमान करना है कि फिर चौदह साल की बच्ची से आपने शादी भी करनी है हुँ। समझ हुँ। में आ जाती है ना आपको के जी ये कन्वर्ट करना मानना है असल आपके जो ख्वाहिशात है वो तो सबके सामने है हमारे सामने आई के नॉट इमेजनल इन पाकिस्तान एक तो ये है कि शायद कहें भी कम इन पॉपुलेशन

ये कूट कूट के हमारे दिमाग में किताबों के थ्रू भरा जाता था कि यूनिटी इन इंडिया इंडिया इज इज बी गाने हुआ करते थे यार सिनेमा में के प्यार बांटते चलो क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई तो ये फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटीज पिक्चरें बनी हालांकि घटिया पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी मनमोहन देसाई की mm -hmm. बट वो मेन स्ट्रीम इतन, इतना था कि उसको अब सडनली जाके आप उसको हिंदुत्व प्रोजेक्ट में बदल लोगे तो ऐसे कोई फ्लिप स्विच थोड़ी है कि ऐसे करा तो ऐसे हो गया अब बत्ती बंद होगी है बत्ती जल गई इट्स अ कल्चरल इट्स अ कल्चरल क्या कहते हैं ना कंडीशनिंग दैट हैज हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो करना इतना आसान इतना आसान काम है नहीं और जहां तक बात है कि अभी रीसेंट लास्ट एक साल हो गया पूरा जब दिल्ली uh, में पूरे इंडिया में एंट, प्रोटेस्ट हो रहे थे अमेंडमेंट एक्ट जो था और कागज नहीं कागज नहीं दिखाएंगे कागज नहीं दिखाएंगे वो हमने उसका एक गाना भी बनाया था तो वो वो जो है उसमें सब सारे तबके शामिल थे मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आके खड़े हो गए यार हम नहीं करने देंगे यार ये

रिसेंटली हमने देखा है कि बरेलवी तो अगर आप शुरू से कुछ नहीं कहेंगे कि नहीं यार ये तो मेरा मजहब नहीं है तो कल को आहिस्ता 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 तंग कर करते करते आपके ऊपर जब आएंगे तब कोई कहने के लिए बचेगा नहीं बचेगा नहीं बात से, और आप आपने किताबों की बात करी मैं स्कूल

जो मुल्क रिलीजन के नाम पे बनेगा ना वो रिलीजन से पीछा कैसे छुड़ाएगा ये देखो तो 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 बना के लिए है ना, तो उसकी तो प्राइमरी आइडेंटिटी ज्यूश स्टेट है दूसरा पाकिस्तान बना रिलीजन के लिए सर थोड़ा सा कैमरा करूंगा क्योंकि मैं कॉफी बनाऊंगा ऑडियो फाइन अच्छा अच्छा सो so, uh,

मुसलमानों के साथ डेली दे, इम्तिहान ही होता रहेगा जो कि उनकी बात गलत नहीं थी और आज जो है इंडिया की जो आज के हालात हैं उन्होंने जिना की थॉट को सही प्रूव कर दिया लेकिन अनफॉर्चूनेटली पाकिस्तान ने जिना की थॉट को रॉन्ग प्रूव कर दिया सो एंड आई एम आई हैव रेड दैट ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज जिन्ना वाज

हमारी हिस्ट्री क्या है हमारे मॉडल्स क्या होने चाहिए इवन अगर ह्यूमन बेसिक फंडामेंटल राइट की बात करें इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया फिर कल को जिसकी दो मर्जी आते हैं बोलते हैं नहीं नहीं उस एब्सुलट तो नहीं होते ना ये राइट इसको यहाँ से कर सकते हैं सर आप मेरे को बताओ ट्राइबल सोसाइटीज जो होती हैं जैसे आप केपी में जाओ फॉर एग्जांपल ठीक है या इंडिया में जो ट्राइबल सोसाइटी है जैसे आई बिलोंग टू जाट जाट कम्युनिटी ठीक है जो आप समझ लीजिए इंडिया का तालिबान मान रहे आप उसको वो बात बात पे मर्डर इज्जत की बात होगी बच्चों को मार दिया दूसरी कास्ट में शादी होगी कपल को मार दिया अपने ही घर में करते रहते हैं ये काम तो ये ट्राइबल सोसाइटी पे आप आपने सीआरपीसी वगैरह तो लगा दिया कि भाई इस तरह की ऑनर किलिंग करना जो है ना ये गैर कानूनी है ठीक है आप नहीं कर सकते लेकिन फिर भी होती है क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटी वो कहती है कि भाड़ में गया तुम्हारा ये कानून हमारे तो इतने मतलब सदियों का हमारा एक ट्राइबल एक उसूल है हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आर ऑनर तो जो सोशल रिफॉर्म होना चाहिए था वो करे बिना हमने सीआरपीसी क्या है जो जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है वहां पे भी सीआरपीसी भी है वो ब्रिटिश का ही तो है बिल्कुल कोई अमेंडमेंट थोड़ी किया हमने उसमें उसमें कोई हम, आज हमारे फा हाँ जो से हाँ तो अंग्रेज, के है? अंग्रेज देखे, मेरे पर सेडिशन लग, ओ, लगा हुआ है पाकिस्तान में उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं इंडिया में हर्टिंग रिलिजन, रिलिजन से, रिलिजन बोलते हैं और मेरे को तो जहां रिलीजन दिखती है मजा आता है

और एथिस एक्चुअली इंडिया में फॉर्म में भरने के लिए रिलीजन जैसे होता है वहां से कॉलम है देखिए मैं नॉन रिलीजियस हूं कॉलम है तो मैं वो हूं और रही बात सर पाकिस्तान की जो पुरानी बात बीच में रही थी वो एक देखो एक तो हिस्ट्री के उसी के ऊपर को सारा डिफाइन करा जाए बहुत छोटा वक्त है दूसरी बात ये कि आप एक ट्रेजेडी देखे ना कि जैसे कराची को ही देख रहे हैं। कराची का जो इतना बड़ा जो एक तबका है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है ठीक है मुहाजिर जो आए यूपी से इंडिया में यूपी से बिहार से ज्यादातर वही लोग हैं क्योंकि पंजाबियों ने तो पहले ऊपर पहुंच के इनको बोला भाई तुम गोरे नहीं हो नीचे जाओ हमारी एक बड़े शायर हैं जॉन एलिया साहब वो कहते हैं पाकिस्तान है ही यूपी के लॉन्डो की साजिश सर जॉन एलिया साहब हम सबके हैं तो ये यूपी के लॉन्डो की साजिश थी एक पाकिस्तान नहीं तो वही है ना अगर आप कराची में देखें तो एक सिंधी आदमी का एक यूपी के आदमी से कोई कनेक्शन ही नहीं है मतलब उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है उनका खान पान सेम नहीं है उनका जो तौर तरीके सेम नहीं है उनके उनका इस्लाम तक सेम नहीं है एक्चुअली सबके तरीके अलग अलग हैं अब ना उन दोनों को इकट्ठा करके एक तो आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अप्रूव करके जहाँ पे पूछते नहीं वो रहते आए थे उनको दूसरी जगह भेज दे यहाँ पे कभी गए भी नहीं कि अब ये है तुम्हारा मुल्क अब तुम्हें यहाँ सडनली इस मुल्क से बहुत ज्यादा बेशुमार मोहब्बत करनी है वो कैसे हो जाएगा और वो सिंधी जो वहाँ पे ऑलरेडी जो इतनी मशक्कत करके सरवाइव कर रहा है उसको नहीं लगेगा ये आउटसाइडर आ गए उसको तो यही लगेगा ना कि बाहर के लोग आके यहाँ पे आगे कब्जा करके बैठे हुए हैं तो ये ये जो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान ना सर तो You, you, एक जो, you कराची, उसकी जो ट्रेजिडी है ना वही पाकिस्तान की ट्रेजिडी मुझे, मुझे तो जो ये लोगों के ड्रीम्स रहते हैं ना पाकिस्तान एक नथिंग ऑफ दैट शॉर्ट इज गोइंग टू है सर्वाइवल कंट्री एंड इट इज सर्वाइविंग इट्स डूइंग टू सत्तर साल पुराने और नेशन से आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको पाकिस्तानी एड्रेस नहीं करते हैं जो वहां की सरकार एड्रेस नहीं करती है वो है पाकिस्तान की एनवायरमेंटल इश्यूज जो कराची जैसा शहर जो है ना एक अगर सी लेवल थोड़ा सा भी बड़ा पूरा शहर डूब जाएगा और सारा का, का सारा माइग्रेशन जो सारा का सारा जो माइग्रेशन हो रहा है पूरे मुल्क से जहां पे भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है सब वहां की कराची आ जाते हैं शहर भरे जा रहे हैं भरे जा रहे है इंदस में जब बाढ़ आई थी तब तो वहां सिंध की डेमोग्राफी सारी चेंज हो गई थी वो सारे कराची में आ गए थे फिर ऊपर से मुहाजिर कॉन्फ्लिक्ट अलग से वो तो शुक्र मनाओ अल्ताफ हुसैन चले गए वरना पता नहीं क्या हाल करते शहर का यार वो <laughs> अल्ताफ भाई को बड़ा मिस करते हैं वो तो एट दिस पॉइंट इज बेटर कमेडियन देन प्रोबब्ली बोथ ऑफ अस पर आपने अभी सेडिशन चार्ज का भी जिक्र किया आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट दीस थिंग्स लाइक थिंग्स लाइक ब्लास्फेमी लॉ एंड आप, का मजाक हैं, that's you up. अगर आप इंडिया में कॉमेडी कर रहे हैं और आप मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं जी कोविड तो सारे मुसलमान लाएं या अगर मैं पाकिस्तान में बैठे ये मजाक उड़ना शुरू कर दूँ की जी ये तो सारे शिया लिख रहे हैं पाकिस्तान में That's me punching down. We don't ever actually account for the power dynamics of a joke.: Well, I, I personally think that, yeah, punching down is a strict, no, no, but you cannot uh, make fun of the victim. Right. But I make one exception though. When I do a critique of religion, religion as, as, as a concept,. तब ना मैं मुल्ले को छोड़ता हूँ ना मैं सिख को छोड़ता हूँ ना मैं हिंदू को छोड़ता हूँ ना मैं क्रिश्चियन को छोड़ता हूं बिकॉज सब रिलीजन में तो सभी गए ना फिर रिलीजन ऑल काइंड ऑफ रिलीजन आई एम एक्चुअली पंचिंग अप लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलरली जो बोलो कि भाई हिंदू तो ठीक है ये मुसलमान ये क्या यार मतलब तीस दिन भूखे रहने का क्या मतलब है यार वही कहावत भी है ना कि नमाज माफ कराने गए थे रोजे गले पड़ गए hmm. इसी पे अगर मैं मजाक बनाने लग जाऊं तो वुड बी पिकिंग अप ऑन वन पर्टिकुलर कम्युनिटी विदाउट बाकी आप ये देखो ईद पे जो बकरे की कुर्बानी होती है ठीक है मैं अगर उसको एक बोलने लग जाऊं कि भाई तुम्हारे रिलीजन से बकरे बेचारे का क्या लेना देना यार तुम्हें तुम्हारे खुदा से मतलब है तो कुर्बानी तो तुम्हें अपने अजीज की देनी चाहिए ना hmm. दो दिन पहले हफ्ते भर पहले बकरा खरीद के लेके आए उसको खिला पिला के उसकी कुर्बानी दे रहे हो लेकिन मैं ये तो बोलूँ और ये ना बोलू जो हिंदू गाय को लेके बावला हुआ जा रहा है कि गाय के गोबर में भी प्लूटोनियम है गाय के पेशाब में गोल्ड है और गाय जो है माता है गाय पे चार बार हाथ फिरा लो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इसमें और वो बकरी की कुर्बानी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता दोनों इेशनल हैं, दोनों फजूल की बात है अपने रिलीजियस फंडे में आप खाम का जानवर को लेके आ रहा हो जिसका कोई लेना देना ही नहीं जब बिस्क्री हाँ। आपकी यहाँ से होती है आपने सुना ही वो होते हाँ। हैं अब हाँ, हा, हा 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 मेरी तो बॉस मेरी बीवी है हा 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 सारे अंकल शादियों पे मिल रहे हैं उन्होंने कहना ही और क्या होता है और ये और फिर उसका थोड़ा और जब थोड़ा और ग्रेजुएट हो जाते हैं उसमें तो बोलते हैं कि यू नो दिस पर्सन ड्राइविंग एंड मेरे को साइड भी नहीं मिल रही थी मैं कितना भी हॉन्ग कर रहा हूँ जगह ना दे और स्पीड नहीं बढ़ा फिर मैंने पास में जाके इट्स अ तो मैं निकल गया चुपचाप से तो इस मिसोजनी से जो लोगों को ये फनी लगता है हमारे यहाँ पे लगता अब तो खैर पैटर्न काफी चेंज कर दिया है क्योंकि स्टैंडर्ड भी चेंज हो गए कॉमेडी के बट एक्चुअली ये करना और कास्ट की जैसे हम कल बात करते कास्ट के ऊपर जोक्स मारना और प्रिविलेज जो अंडर प्रिविलेज है उसके ऊपर वो करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो आप एक केले के छिलके वाली कॉमेडी करते रहोगे और अगर आप पढ़ोगे अगर आपको आपके पास हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होंगे अगर आपने ठीक से जैसे एक जाकिर खान करके बंदा है इंडिया में ठीक है बड़ा पॉपुलर है इतना और इतना अनफनी आप अपने आपको कहते हैं कि हम तो सख्त लौंडे हैं हम पिघले नहीं जब उसने हमें धोखा दिया कयामत के दिन मिलेंगे अबे तू है तू है तू धोखे देने लायक है तो कैसी बात कर रहा है कि हम सख्त लौंडे हैं हम सख्त लौंडे हैं ये ये कोई कॉमेडी थोड़ी है यार ये तो इसका मतलब आपको जेंडर डायनेमिक जेंडर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इस कंट्री के अंदर औरतों को गाड़ी चलाने के लिए कोई बोल रहा है कि इनसे टायर तो बदला नहीं जाता है पंचर होने के बाद तो फिर ये क्या गाड़ी लेके क्यों निकलती हूँ

हिम प्लेइंग ऑफ़ द फैक्ट के ही क्वाइट क्लीयरली लुक्स लाइक सम पर्सन वुड डज नॉट हैव दैट पावर अ और एटलीस्ट इन द स्टैंडअप अब तो ज़ाहरी बात है बहुत अमीर हो गए होंगे बट स्टैंडअप में वो इस तरह फ़्रेंडलिटी से आते हैं ना कि मैं गरीब नॉट दैट ग्रेट लुकिंग गायूं तो वो सेट मैं मतलब ये जेंडर इश्यूज में बहुत अटैच्ड हूं एक जगह वो बोलता है कि ये सुंदर लड़की को ना ना सुनना नहीं आता है एंड आई सेड व्हाट वुमेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन दिस कंट्री आर फाइटिंग फॉर मेन टू अंडरस्टैंड दैट अ नो मींस नो एंड हियर यू कम एंड से कि सुंदर लड़की को ना समझ में नहीं आता है कुछ अच्छा चलो आपने बात बोल दी आपने अपने जो को आप क्वालीफाई कैसे करोगे वॉट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जोक मतलब हाउ डू यू स्ट्रेच इट हाउ वॉट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जॉक आप क्यों ये बोल रहे हो आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप लगता है आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं हो और वो लड़की सुंदर है और उसको ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी विंडो सीट तेरे को नहीं ये क्या है मतलब दिस इज वॉट सिक्स या सेवंथ क्लास का ही है यार ये

इज इवॉल्वड आउट शुरू के बेटर थे सर शुरू के जोक्स बहुत बेटर थे व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज इन दिल्ली ओनली तब अक्सर मतलब मैं तो पहले से कर रहा था तो जब ये इसने बोलना शुरू किया एक्चुअली ही वाज ही यूज्ड टू मेक सम रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और बहुत बहुत अच्छे करता था वो सब अबंडन कर दिया है हम्म hmm. so, yeah. आपने छोड़ अब अब कोई अगर ये बोलने लग जाए कि कॉमेडियन का काम है सिर्फ हंसाना गलत सोच रहा हूँ क्या ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा आप किसी को प्रीचिंग करने लग जाओ। मैं खाली ये बोला हूँ जस्ट क्वेश्चन हंसाना आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन मेकिंग एनी बड़ी लाफ यार अगर आपको इतनी हंसी आ रही है तो हंसी आने का इतना चाचा चौधरी कोई कॉमिक पढ़ लो या कोई टीवी फिल्म देख लो जोहर की मेरे को नहीं इंटरेस्ट आपको में आपसे भी वो अनुपमा चोपड़ा ने सवाल पूछा था कि आपको कौन सा जोक बहुत अच्छा लगा uh, तो मुसलमानों ने अपनी गांड से सरिया निकाल के दे दिया वो इट्स नॉट इवन बट इट्स इट्स सो पावरफुल इट्स सो पावरफुल दैट यू स्टॉप एंड लाइक वेट कि हमने क्या हुआ हुआ, हुआ क्या था हाँ, हमारा एक शो है ना ऐसी तैसी डेमोक्रेसी जी दीज़ी। मैं वरुण और राहुल हम करते उसमें तो ये गुजरात में ना सरदार पटेल का स्टैचू बनाने लगे मोदी जी सरदार पटेल वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया उन्होंने बोला ये स्टैचू ना सारा आयरन का ही बनेगा और इंडिजिनस आयरन होगा इसमें सब अपने अपने घर से आयरन देंगे तो मुसलमानों ने बोला कि अब मुसलमानों ने अपनी गांड से सरिया निकाल के दे दिया लहोज आप ही ने दिया था मतलब एक तरफ इस लेवल की बातें हो रही है और एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि हसाना प्राइमरी कौन हसेगा ये जो बात बोली कौन हंसेगा इसमें कोई भी नहीं हसेगा लेकिन इसपे कुछ सुनने के बाद ना रोंगे जरूर खड़े हो जाएंगे ये भी काम कॉमिक का है hmm. और उसके बाद अगर मैंने उसके बाद मैंने बोल दिया मैंने कहा एक तो मजे की बात है स्टेचू ऑफ यूनिटी और वो भी गुजरात में

तो कितनी बुरी कंडीशन थी मैं ऑफिस गया था वो था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सर देखिए hmm. कि कि यहाँ पे क्या हुआ है क्योंकि तो द स्ट्रक्चर था स्टिल देयर वो तो वैसे गैस चें भी वैसे का वैसा बना हुआ है मतलब आई कुड स्मेल डेथ देयर मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो किलिंग होती है ना वो वो वहां पे हुई है यू कुड स्मेल इट और साइकोलॉजिकल है वो एंड इफ आई कम बैक एंड वांट टू टॉक अबाउट इट इन अ कॉमिक रूटीन हाउ डू आई डू इट

When, when you talk, या आप यही करते रहोगे कि भैया ये काला है ये पीला है ये हिंदू है ये मुसलमान है इसने बुरखा पहन रखा है इसने जनेऊ पहन रखा है इसकी बोधी है इसकी दाढ़ी है ठीक है आपने कर लिया आप ग्रेजुएट कब हो गए इससे आगे कैसे, कैसे बढ़ोगे यार यू हैबाउट वॉट इज इंडिया इंडियाज जब तक हिंदुस्तान के बारे में आप बात नहीं करोगे देखो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडिया और पाकिस्तान और हमारे जैसे और भी मुल्क जो है ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ पे इतने डिफरेंसेस हैं इतनी डिविजन्स हैं और हैज और हैव के बीच में इतना गैप है प्रिविलेज के पास इतना कुछ और अंडर प्रिविलेज के पास इतना भी नहीं है कि हफ्ते में एक टाइम की रोटी भी खिला सके अपने बच्चे को ऊपर वहां पे आप आके ये बोलोगे कि हाँ भाई मजाक तो कायदे में तो भाई मजाक तो हर चीज का उड़ सकता है किसी भी चीज का मजाक उड़ सकता है लेकिन वो वो उस जगह पे उड़ सकता है जहां अ लेवल प्लेइंग फील्ड जहां पे सबके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है हर चीज का मजाक उड़ाने की yeah. जहां पेल्ट लाइन है इतना डिविजन है और इतने ज्यादा मतलब आ, कुछ लोगों के साथ तो इतनी जाति हुई है मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की आजादी को इतना इतना वक्त हो गया तो कोई मेरे से पूछता है कि क्या आपको मैसेज देखो क्या मैसेज यार जो सबसे ज्यादा दबा हुआ तबका उस वक्त अंग्रेज के टाइम पे वो आज भी उतना ही दबा हुआ है hmm. उससे जाके पूछना का मतलब क्या है वो बताएगा आपको कि भाई आजाद हुए भी हैं या नहीं हुए तो yeah. अगर आपने आपने अपने हर हर कॉमेडी का जैसे आपने रिचर्ड फ्रायर का नाम लिया मैं तो मैं ज्यादा कॉमेडी देखता नहीं तो मुझे पता भी नहीं है कौन है एंड बहुत ही अच्छे अच्छा बंदा होगा हर कॉमेडी का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और जो आप अपने अब अब जैसे फैज फैज साहब हैं या जॉन एलिया साहब हैं वो पाकिस्तान इंडिया की कॉन्टेक्स को छोड़ के अमेरिका की कॉन्टेक्स की, की शायरी करने लग जाते किसी को पता चलता कौन सुनता उसको ये अपने कॉन्टेक्स को अगर यहाँ यहाँ के साहिर लुधियानवी या मजरू सुल्तानपुरी या काफी आजमी या रामधारी सिंह दिनकर अगर अपने कॉन्टेक्स की पोइट्री नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है आपको अपने अपनी सोसाइटी की अपने मुल्क की फॉल्ट लाइन को एक्सपोज करके दिखाना है सामने कि हो सके शायद लोगों को भी दिखे और लोग उसको भरने का कुछ काम करें फॉल्ट लाइन एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो जाए उसके बाद मैं भी रोस्ट करूंगा hmm. वो जो रोस्ट होता है जहां पे आप एक अर्बन एलीट सेक्शन जो है बैठ के माँ बहन की गालियां बक के और सेक्स जोक्स मार के रोस्ट कर रहे हैं आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट आप करो बिल्कुल करो यार मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा पसंद है तो मैं देखूंगा लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार तुम्हें अलाउड ही नहीं होना चाहिए करने के लिए लेकिन अगर आप बोलोगे कि इज इट एन ऑफ गुड कॉमेडी प्रोबेबली इन इन सोसाइटी इज लेवल प्लेइंग फील्ड जहां पे औरतों को भी वही मौजूद है जो मर्दों को है जहाँ पे दलित को भी वही हक है जो ब्राह्मण को है जहाँ पे मतलब हिंदू मुसलमान में कोई को फर्क ही नहीं है तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई फोर्ट लाइन सारी बराबर हो चुकी हैं, अब कोई किसी को भी रोष करता रहे

चिल्ड्रन ऑफ होलोकॉज सर्वाइवर्स क्योंकि उनके माँ बाप ने इतना दुख सहावा थार नॉट जॉकिंग अबाउटली बचकर आए अगर आपने hmm. इंसानियत का सबसे नीचा दर्जा देख लिया उसके hmm. बाद आप या तो सर फंक्शन नहीं कर सकते आई मीन आफ्टर सींगट लिविंग थ्रू दैट आई जस्ट डेट यू कॉन्ट जस्ट फंक्शनिटी फॉरवर्ड it is,

से तो मेरे को अपने hmm. आप में जब अर्बन एलीट, जब आर्ट की दे, ना तो बड़ी तबका है जिसकी कोई आवाज ही नहीं सुनता है जिसके पास मौके ही नहीं है hmm. मतलब के जिसके पास वो फाइबर ऑप्टिक्स क्या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जिसके पास आईफोन नहीं है जिसके पास लैपटॉप नहीं है कि वो अपना जो भी जो भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बोल सके

सर किसका नाम ले लिया उसने था, मुझे पता है। अगर आप इंडियन तो ऑडियंसेस अगर अर्नब गोस्वामी अपने आप को कहरी मिनाटी समझना शुरू कर दे तो शायद वो वकार जगह बन जाए ये आपको मिले नहीं ऐसे वकार जगह जैसे बहुत है सर यहाँ पे अर्नब गोस्वामी

जो मेंटल जो हेल्थ है इट्स नॉट ओके वी आर नॉट पीपल। तो ये फिर ये वो, ये वो ये मैं बहुत सही तो सबको पता था कि हम फ्रस्ट्रेटेड और दुखी मतलब इस तरह सड़क में अगर कोई बोल दे चोर है

The history, if 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 you you, you, are not very well read about stuff, if you, if you, देखो हम अपनी एक छोटी सी जिंदगी नहीं तो सकते है 20th में जब, आ, आ, करना हुआ था, तो उस वक्त क्या जाए? हम तो एक्सपीरियंस नहीं करते सिर्फ पढ़ के ही जान सकते हैं ना ये जितना ज्यादा आप पढ़ोगे जितना ज्यादा आप कुछ चीजों के बारे में मालूम होगा उतना ही आप अपने जोक्स को बहुत और ज्यादा इवॉल्व करके और अपनी इस, सबसे बड़ी बात होती है जो बात आप स्टेज पे बोल रहे हो इफ यू आर कन्विंस ऑडियंस को भी बेमानी दिखती है वो के तो चला जाएगा, कल को भूल भी जाएगा अब ये बात जो जो मैंने वो जो गांड से सरिया निकालने वाली बात करी कोई नहीं बोल सकता इस बात को बट इट्स नॉट अ जोक इट्स नॉट अ जोक इन सेंस कि कोई हा हा वाला कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर उसके अंदर ये वो तरीक क्या बात बोल गई यार तो दैट इज आल्सो अब कितना भी अच्छा सटायर आप पढ़ लो जैसे आपने वो फिल्म देखी जाने भी तो यार अगर मौका मिले तो कभी देखना mm -hmm. 1980s में इंडिया में एक ब्रिलियंट मतलब वो अल्टीमेट है सटायर है पॉलिटिकल सटायर में एक फिल्म है नसीरुद्दीन शाह रवि वासवानी उसमें थे कुंदन शाह वो फिल्म बनाई थी दैट फिल्म इज ब्रिलियंट उसमें ऐसे से डार्क ऐसा डार्क ह्यूमर है कि आपको लगेगा कि इस इस लेवल कॉमेडी अगर होनी की तो इस लेवल की होनी चाहिए एक अभी रिसेंटली एक फिल्म आई हॉटस्टार पे बहुत हुआ सम्मान मैं आपको वो भेज दूंगा उसका नाम लिख के वो भी देखना जो डार्क पॉलिटिकल सटायर होता है अरे सबके इंटरेस्ट की बात होती है किसी को एक्शन मूवी पसंद है किसी को रोम कॉम पसंद है किसी को कुछ पसंद है मुझे डार्क पॉलिटिकल सटायर पसंद है तो मैं वही करता हूँ और वही देखता हूँ बाकी मैं ये नहीं कर रहा बाकी सब चीजें बेकार है या कुछ है लेकिन मैं मैं अब करण जौहर की फिल्में है लोगों को पसंद आती होंगी मैं ना तो देखने जाऊंगा ना मुझे वो वो पसंद पसंद है और ना मुझे वो पसंद है। लेकिन जिसको पसंद आ रही है उसकी फिल्म है, वो देखे भैया लेकिन अगर मेरे सामने करण जौहर तो के, हाँ, हाँ, हाँ के पीछे जाना शुरू किया है मुझे करण जौहर पसंद आना शुरू हो गया अम लैक ये बेचारा है कंगना जा चुकी है प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद जोहर मैं आपको बताता हूं कि आप करण जोहर का मजाक अभी तो उसकी डालोगे, है जादा जादा. कि मोदी मोदी आया हिंदुत्व आ गया एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू दिस हिंदुत्व प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द नाइनटीज कल्चरली जब जब इन्होंने पिक्चरें बनानी शुरू करी ना कि दिलवाले वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और क्या कहते हैं कुछ कुछ होता है कल होना हो इन्होंने वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस की एक ब्रिगेड क्रिएट करी जो रहते इंडिया से बाहर हैं लेकिन वो कल्चरली बड़े मतलब ओम जय जगदीश हरे और भारत माता की जय और जनगणमन नेशनलिज्म खड़ो जो फेक नेशनलिज्म वो ब्रिगेड इन्होंने तैयार करी है सर उनको एक कल्चरल लजिटिव इन लोगों ने दी है अभी करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी ए दिल है मुश्किल जिसमें फवाद खान था तो फिर जब ये हिंदू नेशनलिस्ट ने आके शोर मचाया इस फिल्म के ऊपर कि फवाद खान कैसे है इस फिल्म में तब करण कर वाज वन हु वाज सेइंग कि कितनी इंटॉलरेंस होगी है कंट्री में तो मैंने बोला यू आर द वन हु क्रिएटेड दिस यू क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर नाउ द चिकन हैव कम होम तो तुम अब क्या क्या कंप्लेन कर रहे हो तो ये ये जो क्रिटिक है इनका ये भी होना बहुत जरूरी है

Uh, मैंने एक आर्टिकल लिखा था वाई गो टू वॉर विद इंडिया मजाक था इंडिया में उसने किसी ने किसी चैनल ने लेकर जंग का ऐलान जिक्र कर दिया कि शहजाद ने तो कटरीना कैफ पर पता नहीं क्या आरोप लगाए देखते हैं कि पाकिस्तानी कमेडियन का अब क्या होगा उसके बाद मैंने एक फॉलोअप जोक लिखा पाकिस्तान विल विन एनी वॉर अगेंस्ट इंडिया अगर कोई पढ़ भी लेता खोलकर तो इतनी बकवास चीजें थी, थी उसमें कि जी बिलावल भुट्टो स्पेलिंग भी जीत जाएगा राहुल गांधी से इस तरह की ना घटिया बातें लिटरली

हमारी समझ नहीं मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अखबार ने बोला कि आपके कॉलम के साथ जाएगा दिस पीस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड फिर उसका फायदा फिर तो फायदा ही नहीं है ना सैटायर का फायदा ये होता है कि बंदा सोचे और फिर सोचे मैं क्यों हंसा ये मुझे सच क्यों लगा ताकि उस वो फिर आगे कहीं अपनी जिंदगी में वो चीज लेके जा सके जब आप पढ़ी इसलिए अच्छा, इस वो, वो, वो आप, वो आप मत छोड़ो क्योंकि लिखना तो जरूरी है।, है जो इसको सीरियसली ले लेगा ले जिसको नहीं लेना है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे क्या उसे पता है शायद आपने लिखा है सेटायरिकली होगा तो वो तो वैसे ही पड़ेगा अलबत्ता होगा क्या अगर आपने लिखना बंद कर दिया तो होगा ये कि फिर वो जो स्पेस जो आपने पकड़ी हुई थी वो भी हाथ से चली जाएगी तो फिर सटायर और डिले हो जाएगा जैसे आपको अगर अगर मेरे को अगर मान लो उर्दू नहीं आती तो एक ही तरीका है ना उर्दू जानने का कि मैं उर्दू कोई सिखाए मेरे को मैं पढ़ता रहूं उसको बार बार और मैं उसमें बोलने की कोशिश करूं प्रैक्टिस करूं लिखने की कोशिश करूं तो अभी तो मेरे मेरे कैरेक्टर में उर्दू आएगी वैसी सटायर का अगर इस माशरे में अगर सटायर किसी को समझ में नहीं आता तो उसको बार बार सटायर देना चाहिए वही मेरा वही मेरा ओरिजिनल पॉइंट था कि कॉमेडी

और वो कलेक्टिव इंटेलेक्ट जो है ना वो सटायर से ही इंप्रूव होगा और वो तभी इंप्रूव होगा जब आप ये भूल जाओगे कि कि का का काम है, कि ये का काम है है ये कॉमिक स्टेज पे जाना और हंसाना आप ये भूल जाओ ये ये गलत थ्योरी है ये नहीं है यार जॉर्ज कार्लिन को अगर आप देख लो कितना हंसते थे, थे लोग उसके कहने में एक घंटे का अगर जॉर्ज कार्लिन कुछ बोल रहा है तो चार या पांच दफा लोग हंसते होंगे और लेकिन यहां uh, uh, kind of मिनट में, में लाफ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो वर्क नहीं कर रहा है जोक को निकाल दो अरे यार मैं बोलने जा रहा हूं जिस चीज को मैं स्ट्रॉन्गली फील करता हूं मैं वो बोलूंगा आप सुनने आए हो आप सुनोगे बिकॉज आई एम कन्विंस्ड अबाउट व्हाट आई विल से नॉट मैं उसको बोलूंगा बिकॉज आई एम एम्स अबाउट इट बिकॉज आई एम एम्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द जो ये थोड़ी यार मैंने बोला वो हंसे नहीं तो इसको मैं निकाल देता हूँ इसका मतलब जो मैं पहली बात तो वो लेके ही नहीं गया कि जो मैं जो मेरी पॉलिटिक्स फील करती है ठीक है मैं कुछ और ही नकली पना लेके गया मेरी कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं उस जोक के अंदर तो मुझे उसको अपने से सेपरेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है दैट इज माई प्रॉब्लम तो इन दैट सेंस मतलब मैं कभी नहीं बोलता कि मैं कॉमिक हूँ लोगों ने पता नहीं बोलना अब तो लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया कि मैं मैं, मैं, मैं मैं कभी नहीं बोला कि मैं कॉमिक मैं हूँ यार जो मुझे लग रहा है मैं देख रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ आपको फनी लग रहा है आपकी सीरियस लग रहा है आपकी है। मेरा इंटेंशन है मैं ये बोलू मुझे ये बात करनी है just... अब जैसे कि एक, 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 आपको याद है राइट्स हुए थे और मोदी वहां पर चीफ मिनिस्टर था उस वक्त तो एक जगह मैंने ये बोल दिया कि जब ये इंटॉलरेंस डिबेट बढ़ रही थी इंडिया के अंदर की भाई आमिर खान की बीवी ने उसको बोल दिया था बड़ा इंटॉलरेंट हो गया है कंट्री मेरा मन नहीं करता यहाँ रहने का आमिर खान ने पब्लिक में बोल दिया ये और पब्लिक में मतलब पूरी राइट विंग राइट विंग गए कि ऐसे कैसे बॉयकॉट आमिर खान ये वो फलाना चलने लग गया तो मैंने ये बोल मैंने क्या बकवास करो इंडिया तो बहुत टॉलरेंट कंट्री है हमने 1984 में जब इंदिरा गांधी का काशन हुआ था उसके बाद से एंटी एंटाइ सि डेली में

बट देयर टेकन सीरियसली और पाकिस्तान में भी वैसे ही शोज़ हैं इतने फार राइट एक्सट्रीम पे वो बातें करते हैं कि यार लिटरली के करोना आया तो वो हिंदुस्तान ने कोरोना फार्म्स पे जलाकर हवा के थ्रू पाकिस्तान मतलब ये किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में सेटायर होगा उसको हम रिज को एज रियल एक्सेप्ट करते हैं तो वह सैटायरस का लगना की ये सैटायर है या ये इन एनी वे एक्सट्रीम भी है

कोट करके ये बोला उससे पहले क्या बोला उसके तो यही करता है तो वोट इज मतलब राइटिंग भी यही करता है, है, कि उनको, एक तो उनका नहीं है दूसरा मतलब ये तो है तो मजाक सबसे ज्यादा उड़ना चाहिए सबसे ज्यादा मजाक इनका ही उड़ना चाहिए पाकिस्तान में दो तीन बड़े फेमस लिबरल आर्ट स्कूल है उसके पढ़े लिखे बच्चे ये नहीं रियलाइज करते यार आप कौन से स्कूल में गए आपको कौन सी आपको कौन सी किताबें पढ़ने का मौका मिला आप अगर ये फ्रेंच काम करता है गोबर से वो घर बना रहे हैं टिकटॉक में उसके नजर आ रहे हैं उसको आप बोल रहे हो कि यार ये फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये चीज प्रॉब्लम आई तुम बात किससे कर रहे हो जरा अपनी प्रिविलेज तो देखो बात करो तो उसकी लैंग्वेज में करो ना यार जो उसको समझ में आई तो लिबरल्स की प्रॉब्लम रही है कि वो अपनी लैंग्वेज को ही यूनिफॉर्म लैंग्वेज समझते हैं कि सबको ये समझ में आने बोर की बात समझाना जरूरी है लेकिन उसके लिए लैंग्वेज भी होनी चाहिए ना आपके पास आपके पास आज क्यों ये, ये ये सब चैनल्स जो आ, आ, कहते हैं सियासी तोते जिनको बोलते हैं, हैं? वो अली आफ्ताब ने बोला ना सियासी तोते इनको चैनल्स को इनके बातें क्यों लोग सुनते हैं क्योंकि इन्होंने वो लैंग्वेज ढूंढ ली है Hmm. के जो वो वाला तबका है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सिस नहीं है जो ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता उससे किस लैंग्वेज में बात करनी है अनफॉर्चुनेटली ये जहर भर रहे हैं लिबरल्स का ये है कि इन्होंने सिमोन डी बोर ने एक रिवोल्यूशनरी किताब लिखी हो hmm. वो हर तुम अपने तबके में ही पहले सबको सिमोन डी बोर समझा लो यार सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा तबका है जो अलीट तबका है सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ तो उसमें होता है यार मजदूर आदमी से बाद में बात करो पहले अपनी प्रिविलेज में तो ये देख लो कि पे घर में तुम्हारा बाप ही कर रहा होगा लेकिन उसको इज डैड आई गो अगेंस्ट डैड कितने बाँग है भाई जिसमें ना काफी कुछ परेशान कौन करते हैं आपकी कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं प्रोडक्ट्स है छह आप प्रोड्यूस करते हैं और फिर आप मार्क्स की करते हैं ट्विटर पे तो 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 बंदा सोचता है है कि भाई अपने अपने वेज तो तीन तो अपने वेज महीने में तूने को सैलरी नहीं दी उनके भी देख ले अमीर हो के कम्युनिस्ट हो ना अमीर हो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बड़ा आसान सर हो हो बहुत

ही इज आल्सो मतलब तीन लोग खड़े हुए एक एक जगह पे दो आपस में बात कर रहे हैं तीसरा बंदा अलग बैठा हुआ है कि ही ही इज़ इज़ आल्सो लाइक अस बट डिफरेंट कास्ट सो कास्ट इज कास्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेसिजम इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिलिजन आप एथीस्ट मतलब ऐसे ऐसे एथीस्ट मैंने देखे हैं जो कास्टिस्ट है तो कास्ट इज अ वेरी डिफरेंट ऑल टूगेदर यहाँ तो और हिंदू और इस्लाम में इतने सारे जो हिंदू सब कॉन्टिनेंट के जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था कास्ट से परेशान होकर किया था कि इस्लाम में कास्ट की कोई जगह नहीं थी लेकिन सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम में कास्ट भी है पसमंदा मुसलमानों के तो कब्रस्त ही जो अच्छे मुसलमानों से अलग होते हैं शादियों पे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये बड़ा प्रॉब्लम होता है राजपूत हैं या हम तो ये हैं हम तो जट हमारे हैं या हम बट हमारे हैं बिरादरी वो भी तो वो वो रिलीजन से मुख्तलिफ चीज है सर बिल्कुल एकदम अगर आपको कास को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप शुरू कर लें किताब अंबेडकर को जितना हो सके आप पढ़ें अनाइलेशन ऑफ कास्ट जिसका फॉरवर्ड अरुंधति रॉय ने लिखा है वो किताब आपको मिल जाएगी आसानी से वहां से आप पढ़ना शुरू करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इट्स 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 अ डिफरेंट फोनोम ऑल टूगेदर मतलब और उसको कोई तोड़ नहीं है देर इज नो वे दैट ऑफ यूर कास्ट आप मुसलमान होना छोड़ सकते हो हिंदू होना छोड़ सकते हो लेकिन मैं जाट होना कैसे छोड़ू दे इज नो वे

Uh, सबसे ज्यादा मजाक तो मैं जाटो का ही उड़ाता हूँ मतलब अपने अपने उससे शुरू करके तो लेकिन फैक्ट दर साहब ने बोला है कास्टिज्म इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जिसमें आप जिस फ्लोर पे पैदा हो गए ना आपको उसी पे मरना है देर इज नो दैट यू कैन गो टू अ फ्लोर अब यू बिकॉज कोई सीढ़ी नहीं है इट्स अ टेरिफाइंग फिनोमोनाचुअली

सोशल मीडिया पे तो बड़ा आसान It, पर आपकी वजह से मैं दिलेरी दिखाता हूं क्योंकि हमने जब नापा पेडियन पैनल किया था आप ही ने कहा था कि जो ऑनलाइन गालियां देते हैं वो कुछ मारेंगे नहीं तो मैंने जिंदगी यही सोच सोच के गुजार लिया कि ठीक है ऑनलाइन जो थ्रेट करता है वो वाकई आगे नहीं मारेगा तो कल को किसी ने आके मार दिया तो प्लीज संजय को ब्लेम दीजिएगा नहीं मैं, मैं मैंने कल की बात नहीं करी थी मैंने कहा था आज तो नहीं ये हो रहा है एक तो इसमें है ना, अपनी भी है सर मैं जो है इंडिया में हूँ चाहे मैं एथीस्ट हूं, बट दुनिया के मान, मानती है कि ये तो मतलब ऐसे बाई बर्थ मैं, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था आई है तो उनके लिए भी मैं हिंदू हूँ जो ये ट्रोल्स वगैरह हैं और मैं मर्द हूं और ऊपर से मैं अपर कास्ट मर्द हूं ठीक है आई एम नॉट अ दलित तो ये जो तीन तीन चार प्रिविलेज है मेरे पास इसमें मेरा नंबर जो है ना मरने में सबसे लास्ट में आएगा तो अपनी प्रिविलेज को भी यही यही बात है जो मैं बोल रहा हूं और अगर मैं औरत होता और ये बोल रहा होता तो अब तक तो पता नहीं क्या-क्या हो चुका होता सर यार दलित तो औरत होता तो पता नहीं क्या-क्या हो चुका होता

क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लिबरल्स के लिए आप तो नहीं है भाई, अगर हम नहीं करेंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके पास एक प्लेटफॉर्म hmm. है तो जो बेचारा वाकई उससे सफर कर है वो देर नॉट फील लाइक एनी बडीज इन दिस इन दिसनली आईनली फीलो की हाँ बोलना तो बिल्कुल चाहिए हमको hmm. मेरा सिर्फ यही है कि ये बोलने के चक्कर में ना कुछ लोग ना मूवमेंट उनका मूवमेंट हाइजेक करते हाँ ले ले आ, तो आप उनका माइक मतलब आप उनके साथ खड़े रहो बल्कि उनके पीछे खड़े रहो मूवमेंट उनका है उनकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होनी चाहिए उनकी आवाज सबसे पहले सुनी जानी चाहिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले सुना जाना चाहिए क्योंकि मैं कभी दलित नहीं रहा तो मैं उस मूवमेंट का लीडर नहीं होना चाहिए हूँ हो भी नहीं सकता मॉरली मेरे को हक नहीं है वो उस मूवमेंट का लीडर बनने का क्योंकि मैंने दलित जिंदगी इतने सारे अपर कास्ट लोग होते हैं हैं जो बोलते है, यार हम तो कास्ट में बिलीव ही नहीं करते यार मुझे तो अपनी कास्ट नहीं पता तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर तुम दलित होते ना तो पहले दिन ही पता होता तुम्हारी कास्ट क्या है ये प्रिविलेज है जो लोग बोलते हैं अब वही लोग आके अगर कास्ट मूवमेंट को हाईजैक uh, करके और उसके लीडर बनने की कोशिश करें कि हम ये इसका परचम आगे को लेके लहराएंगे ले और ये करेंगे दैट इज एक्चुअली नोबडी विल लाइक इट दलित क्यों उसको पसंद करेगा कि यार मेरे मूवमेंट में भी अब इतने हजारों सालों से हम दब रहे हैं अब मैं बोल रहा हूँ अब मेरी आवाज भी तू बन जाएगा तू मेरे पीछे खड़ा रहे ना तू मेरे साथ खड़ा रहे तू मेरे पीछे खड़ा रहा है लेकिन तू मेरी आवाज मत छीन मेरे को बोलने दे वो माइक मत छीन मेरे से तो ये मतलब ये भी ये मेरा मैं भी ये मानता हूँ कि जो मार्जिनाइज अब मैं ट्रांस के राइट्स के लिए मैं बोलने वाला कौन होता हूँ मैं सिर्फ उसके सपोर्ट में उसके साथ खड़ा हुआ कि तेरे को हक है बोलने का और ये बोलने वाले मैं कोई नहीं हो तेरे को हक मैं दे रहा हूँ तेरा हक है मेरे को यह हक नहीं है कि मैं तेरी आवाज छीन लू और मैं बोलने लग जाऊ क्योंकि मुझे हर चीज पे बोलना है मुझे हर चीज पे यह दिखाना है कि मैं इसमें भी कॉन्शियस हूँ इसमें भी कॉन्शियस इसमें भी कॉन्शियस नहीं हूँ नहीं हो, नहीं हो तुम हर चीज क्योंकि तुमने कुछ चीजें भोगी नहीं मैं औरत की तरह मैं औरत नहीं पैदा हुआ इस माशरे में तो मुझे नहीं मालूम है कि सात साल की उम्र में कैसे घर में चाचा आके मोलस करता है या मामा आके मोलस करता है मैं 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 मैंने वो तजुर्बा नहीं किया है तो मैं कैसे उसको उसको फर्स्ट हैंड अकाउंट को करके मैं बोलने लग उसको ही बोलना चाहिए जिसके साथ ये हुआ है। मैं उसके पीछे खड़ा एंड आई ट्वीट फ्रॉम पाकिस्तानी की अगर हम बात करें अगर एक

लेकिन अल्टीमेटली आप बोलते हो देर इज गॉड वही कर रहा है कुछ तो फिर यार तुम जब तुम अपने तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो क्यों हवाई जहाज पकड़ के जाते हो हज पे जा रहे हो क्यों हवाई जहाज पकड़ के जाते हो प्रे करो और पहुंच जाओ वहां पे तुम्हें इस्तेमाल सारा साइंस का करना है और क्रेडिट कहीं और देना है एंड दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट मैं ही नहीं कह रहा दुनिया में एथिस पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है बहुत लोग कह रहे हैं इस बात के लिए मैं क्यों माफी मांगू लेकिन अगर मैं ये बोलूँ की औरतें तो बनी घर में मुझे शायद अफरीदी ने बोला था ना कि औरतें तो मतलब रसोई से बाहर उनके स्वाद बहुत अच्छा होता है हाँ तो अब कोई फेमिनिस्ट और कोई मतलब खुद मुख्तार औरत जिसने अपनी मर्जी से मेहनत मशक्कत से और मुसीबतों के चलते इस माशरे में रह के पढ़ाई करी एक इंटेलिजेंस हासिल करी एक नॉलेज हासिल करी अपने राइट्स और जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग उसके उसकी समझ में आई वो कैसे सुन लेगी इस बात को वो तो शोर मचाएगी

उन्होंने उन्होंने ही मेरे को बात बताई थी जियाउल के टाइम पे वो उमरा के लिए जेडा गया बंदा तो इन्होंने अपने अखबार में हेडलाइन डाली हक ऑफ टू जेडा तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी <laughs> किसी ने जिया को बता भी दिया कि सर देखो क्या लिखा हुआ है तो जिया ने बुलाया कि क्या लिखा हुआ है सर आपका नाम इतना है

करे करे और हमारा हमें हमारे पे भी ये वो है कि अपने को भी राइट है कि बुरा ना सटायर तो बुरा लगवाएगा ही किसी ना किसी को यार हर कॉमेडी किसी को तो बुरा हर कॉमेडी आई थिंक अगर आप एक औरत हैं और आप कॉमेडी कर रहे हैं शायद सब कॉन्टिनेंट के मेजॉरिटी मर्दों को बुरा यही बात लग जाए कि औरत माइक पे खड़ी बात कैसे कर रही है हां सो for इंडिया में ये इतना नहीं है मतलब बहुत सारे देयर आर मेनी फीमेल कॉमेडियंस आई सी अ लॉट ऑफ फीमेल कॉमेडियंस इन पाकिस्तान आल्सो आई मीन बट बट जो लोग बता रहा हूं सर जितना आप जितना ये कमाल की बातें ये लड़कियां करती ना स्टेज पे आके मर्दों के बस की नहीं है मतलब तो इस सोसाइटी में इतने इतनी ए, क्रीपी सोसाइटी में रहने के बाद ये करेज लेके आना कि ऑडियंस के सामने खड़े होके बातें करना पीरियड्स की बातें करना फॉर एग्जांपल उसको फनी तौर पे कि मर्द कैसे लेते हैं पीरियड्स को कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि ये क्या चीज है ठीक है वो ये बातें करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज आई डोंट थिंक मेन वुड हैव बीन एबल टू डू दैट आपने जिस तरह वो गाड़ी के टायर की बात की थी अगेन वी डोंट रियली रियलाइज द हिस्ट्री एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट बीच में एक रह गया था जिस तरह आपने गणेश का जिक्र किया और पहले mm -hmm. आपने कहा था कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है सारे रिलीजन का मजाक उड़ाए बट कल्चरलो इम्पोर्टेंट राइट इन लाइक पाकिस्तान If I am Muslim, मुझे पता है कि जी हिंदुओं के पास इतने राइट नहीं है जहां हिंदुओं को फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं है एक मंदिर सीव्यू बना रहे थे उस पर इतना शोर मचाना शुरू कर दिया था इस्लामाद में मंदिर बनाने इतना शोर कर दिया था इफ आई डू द सेम नोइंगली वेल आई कैन नॉट डूलर जोक अबाउट मुसलमान और इस्लाम

शोज so hmm. की Mahi Munda कि जी जो hmm. तो जो औरत एक मर्द बनकर आकर ना परफॉर्मिंग मर्द जोखते मारेगी hmm. उसी को आगे आने, आने का मौका मिलेगा सो इफ वेमन आर स्टार्टिंग ऑफ बाई ट अबाउट सेक्स बाई टिंग अबाउट देर वजा आई थिंक इट्स ग्रेट आई थिंक इट्स फेनोमिनल

तो नहीं और तो बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल बोलना मर्दों को जितना शर्मिंदा करें सेक्स को लेकिन खुल्लम खुल्ला करना चाहिए यार मैं तो आ, ये बोलता हूँ कोई भी लड़की एक नॉर्मल ट्वीट भी कर नीचे देखो क्या क्या लिखा हुआ आता है ऐसे माहौल में इन लड़कियों में इतना दम है कि लाइव स्टेज पे खड़े होके इतने सारे बेवकूफों के सामने जाके और ये सब बातें करती है इस क्रीट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज

कंट्रोल नहीं होता है दो महीने दो चल मेरे गांव तेरा सारा कंट्रोल करा दूं जो कह रहा है मेरा कंट्रोल नहीं होता ऐसा क्या होता है कंट्रोल नहीं गाँगे? होता खेती कराएंगे ना सर जब दो महीने मेहनत करनी पड़ेगी खेतों में बैठ के ना तो सब कंट्रोल हो जाता है सर it's just it's the same thing but power right ki i feel like i have power over this agar ye aurat hai ye to object hai main ek mard hu main meri meri uske upar power hai i can do yeah, anything sexual sexual assault is all about power it has nothing to do with with sex it is all about power और मजे की बात मजे की बात तो नहीं मतलब तकलीफ की बात ही है कि जो ये मतलब I mean, है कि यार जो जिस ये जिस किस्म के graphic details के थर्टी देते हैं हमारी सोसाइटीज में एक्चुअली ऐसा असल में हो जाता है hmm. तो जिस लड़की को ये मिल रहे हैं उसका खौफ हैं। यो किस खौफ आप किस के चलते अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार पॉलिटिकल कॉमिक्स औरतें क्यों नहीं है अरे कैसे हो जाएंगी भाई तुम उनको एक नॉन पॉलिटिकल खाली ओपिनियन देने पर हाल करते हो तो अगर उसने पॉलिटिकल ओपिनियन देना शुरू कर दिया तुम तो पता खा जाओगे उसको कच्चा यार yeah.

के साथ रेप करना नॉर्मल चीज है कि आप ऑनलाइन गए तो आपने देखा पचास कमेंट है और बड़ी नॉर्मल नॉर्मल सी बात है टू इवन नॉर्मलाइज टू दैट एक्सटेंट यू डोंट रियलाइज कि ये रेप कल्चर के खिलाफ लड़ना जरूरी है और टेरिफाइंग बात ये है ना सर कि इन इस तरह की हरकतों को एक एक किस्म का टेसिट स्टेट सेंक्शन है हाँ। मॉरली स्टेट का सेंक्शन है इसको अब जैसे वो वो कौन थी वो बंदी यार जिसका वो गुजर लड़की थी जो हम फॉरगेटिंग हर नेम जिसको मुशर्रफ ने बोला था कि इनको कनाडा की सिटीजनशिप के लिए इस तरह के मुक्तारन माई हाँ तो स्टेट सैंक्शन नहीं है उस, उस 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 बंदी के साथ क्या हुआ जग जाहिर है सबको पता है क्या हुआ है हैं और उसने लड़ने की हिम्मत करी In spite of all those circumstances, उसने लड़ने की हिम्मत करी तो मुशर्रफ साहब बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और बाहर की लेने के लिए इस तरह की बनाते वाह वाह बैन कर दी थी उन्होंने। हाँ, हाँ, और क्या? I mean, ये जो ऑनर जो है ना आई थिंक वो इमरान आमिर खान का शो, शो है सत्य जी सत्य उसमें बहुत ही लर्नड लेडी उन्होंने कहा था टांगों के बीच में इज्जत आपने डाली हुई है ना

फिर भी समझ नहीं आ रही लोग किस तरफ जा रहे हैं चीजें बुरी से बुरी होती जा रही हैं नहीं बात से वैसे ही आपने पहले रिक्की क्या रिक्की क्या नाम था रिक्की जवेज हाँ मैं एक्चुअली ज्यादा कॉमेडी देखता नहीं तो मुझे ज्यादा नाम पता नहीं है क्योंकि मुझे कॉमेडी देखने में कोई इंटरेस्ट है नहीं पर कमिंग बैक टू ये क्वेश्चन मैं देखो ये तो एक चीज तो पल्ले गांठ बांध ली थी मैंने बहुत पहले कि इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि चेंज हम सब चेंज के लिए तो बोल रहे हैं लड़ रहे हैं और जो लिख रहा है जो फिल्म बना रहा है जो पोइट्री uh, कर रहा है somebody who's, uh, who's sensitive towards justice. हम सब justice के लिए ही लड़ रहे हैं कि भाई इंसाफ होना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन uh, कौन विक्टिम है किसके साथ ना इंसाफी कौन सी कम्युनिटी से आता है कौन सी कास्ट से आता है कौन से जेंडर से आता है इंसाफ होना चाहिए इंसाफ की नजर में सब रहा इसी के लिए लड़ाई हो रही है hmm.

उसमें अगर आप ये सोचो कि इसी दौरान चेंज आ जाना चाहिए ये साल साल के अंदर, साल के अंदर अंदर तो वो तो यार एक गलत एक्सपेक्टेशन है वो तो नहीं होगा तो मैं तो कभी ये नहीं सोचता कि चेंज अभी होगा मेरे सामने ही होगा चेंज जब होगा तब होगा उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सवाल है वो जिंदा रहना चाहिए क्योंकि अगर सवाल को भी मरने दिया ना हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया और वो सवाल मर गया तो फिर वो वो अगले 25 -30 साल बाद गायब हो जाएगा कि ऐसा भी कोई सवाल था कि आपने से ये मांगना था कि इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये नहीं है कि चेंज कब आएगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि चेंज जब आएगा तब आएगा रिमेन लाइफ सवाल पूछते रहो वो सवाल जिंदा रहना चाहिए वो सवाल आगे पास ऑन होता रहना चाहिए ताकि हर मौके पे निज़ाम को या पावर्स

मुझे भर का फर्क नहीं पड़ता कि जो audience है वो आगे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा या कुछ अपने रवैये में तब्दीली लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा मुझे मुझे जो बोलना है मैं वो वो बोलूँगा आपके ऊपर है आपने उसका क्या करना है आप उसको सीख लो या समझ लो या ना सीखो या डिसमिस कर दो या हंस लो उसके अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं वही बोलूंगा जो मेरे को बोलना है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ एंड दैट यू आर हेयर टू इट नहीं सुनना तो उठ के चले जाओ मैंने आपको इनविटेशन तो नहीं दिया था आप हो तो सुनो अब मैं बोलूंगा would, would

पर मैं इस बात का भी कॉन्शियस हूँ कि मुझे आपको इंटरटेन करना है आप टिकट लेकर आए हैं आप मेरा शो देख रहे हैं मैंने ये दोनों चीजें साथ करनी है और ये मेरी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो गई है इन दोनों हाथ को पकड़ -पकड़ तो really well, बेचनी है, है तो आपने कैसे हमेशा से उस ख्याल को रद्द करके ये या मैं अपना सच बोल रहा हूँ वो अगर मैं पार्क बेंच पे बैठा हूँ दो लोग बैठे हैं या शो की टिकटें बिक रही हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है हाउ डिड यू गेट देयर सर मैं सच बताऊं तो मैंने मेरे मैं को सोच नहीं के नहीं आया था इसलिए कि मैं को कॉमेडी करनी है कुछ करना है तो आ, मैं पहले एक्चुअली मैं तो सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियर था सर अमेरिका में मैं तो नौकरी करता था वहां पे और मुझे तो कुछ अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी खूब सारे पैसे कमा रहा था सैन फ्रांसिस्को में रहता था तो कुछ दस साल किया मैंने कहा सुबह उठ के रोज ऑफिस जाओ वो बेकार का, का काम करो इससे कुछ क्योंकि तो पॉलिटिकली मैं शुरू से काफी वो रहा हूँ मतलब मुझे mm. किताबें पढ़ने का शौक रहा है आई बीन वेरी अवेयर ऑफ ऑफ द हिस्ट्री दिस दिस कंट्री एंड कुछ चीजों में मैं अहमक था मुझे पता नहीं थी फिर मैंने उनके बारे में पता करना शुरू किया तो मेरे को अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन किया मैंने कि यार ये तो मैं गलत सोच रहा था दैट इज बिकॉज ऑफ माय प्रिविलेज एंड माय कंडीशनिंग वो सब तो ये एक प्रोसेस था पूरा जो दस साल चला उसके दस साल के बाद मैंने कहा पे तो आप अपना काम करो चुपचाप और पैसे लेके चले जाओ तो मैं छोड़ के आ गया कि मेरे कुछ नहीं करना मैं आई केम बैक टू इंडिया ये तो बाई चांस ही मैंने बाई चांस ही हो गया सर बोलना शुरू किया फिर बोलने के बाद मुझे ये लगा कि यार अब तो सुनो और एंटरटेनमेंट की जहां तक बात है

वरुण एंड राहुल बॉम्बे में रहता है मैं यूपी में रहता हूँ राहुल गाजियाबाद में रहता है तो हालांकि वैसे तो हम दोस्त हैं लेकिन कभी शो की तैयारी व्यारी कुछ नहीं करते अपन कि हमें मिलना है और फिर जो है एक पूरा एक वो तैयार करना है कि ऐसे ऐसे बोलेंगे यूजली होता है कि जब टूर से एक दिन पहले हम मिलते हैं और उसमें सिर्फ

मतलब डिटेल्स में क्या जाऊंगा बट उसको भरोसा है कि ये जो होगा ये बिल्कुल ठीक होगा तो कोई ऐसा स्क्रिप्टेड वो नहीं है, तो जैसे पहला शो हुआ पहले शो में हमने जो बोला था वो बोल दिया अब पहले शो बिकॉज कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है जब उसका अगला पहला शो जैसे अहमदाबाद में हुआ दूसरा शो हुआ बॉम्बे में सेम शो है

सो so, पहला शो और लास्ट शो में पूरा एवोल्यूशन हो जाता है उसका लास्ट में आके पूरा वो कुछ और चेक टिकट बिक जाते हैं एटीडी का मतलब ऐसी-तैसी डेमोक्रेसी का टूर होता है तो टिकट की प्रॉब्लम तो नहीं होती तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका प्रोसेस पूरा कॉमिक का है अभी बीच में आपने वो 45 सेकंड वाला भी जिक्र किया था आई थिंक देयर साइनफेल्ड का वो कोट है कि यू नीड अ जोक एवरी 45 सेकंड्स

ंग है जिसको जो बोलना है बोले है। अपने एक्सपीरियंसिस अपनी लाइन के पंचलाइन ये होनी चाहिए और पहले बिल्डअप हो फिर पंचलाइन हो कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे तो कभी पंचलाइन पहले हो जाती है फिर बिल्डअप बाद में होता है कॉन्टेंट so, ऑनफॉर्चुनेटली so, so yeah, 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 hmm. मतलब मैं वरुण और राहुलर का द सेम इश्यूज द सेम ऑलमोस्ट द सेम वे सो देर इज अचल ट्रस्ट के कोई यहाँ पे गंध नहीं मचाएगा कि इसको जो बोलना है वो मुझे भी सुनना है क्योंकि जब हम पहला शो रहा होता है किसी टोर का तो मुझे भी नहीं पता वरुण ने क्या बोलना है और वरुण को नहीं पता मुझे क्या बोलना है राहुल को पता होता है कि कोई ये ये चार गाने हैं ये ये करने है और फिर जब करने होते उसको पता होता है। लेकिन उसे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ वरुण क्या बोल रहे हैं तो एक्चुअली हम मेरे और वरुण में से जब भी कोई एक बोल रहा होता है बाकी दो वो भी ऑडियंस होते हैं वो भी सुन के हंसने लग जाते हैं या वो भी सुन के रिएक्ट करने लग जाते हैं स्टेज पे तो कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी ना जाने में भी कोई बात थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो, हो सकती है ऐसा तो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ हां ऐसा जरूर होता है कि कभी आ, मैं बोल देता या वरुण मेरे को बोल देता है जो तेरी स्टोरी है ना इसमें तो अगर ये लाइन डाल देना तो चार चांद लग जाएंगे इसमें

जैसे मैं क्वांटम मैकेनिक एग्जाम्पल दे के एक एक देखे, मोदी मोदी के अच्छे दिन की बात कर रहा था कि मोदी के अच्छे दिन सब सबिक पार्टिकल्स की तरह जब आप उनको ऑब्जर्व करने जाते हो तो वो दिखते ही नहीं है लेकिन वो हैं कहीं पे तो राहुल बिकॉज राहुल से पीछे राहुल बोलने का कौन सा सब पार्टिकल्स नहीं तो पॉजिट्रॉन तो नहीं हो सकता यार नहीं लाइट का फोटोन तो हो नहीं सकता लाइट के फोटोन का साइज तो इतना नहीं है मैंने कहा यार बहस ना करो अपने तुम्हारे गाना बजाने का काम दे रखा है वो करो बस ज़्यादा साइंस साइंस बहुत खेलो तो में हम बेंटर चलता रहता है बस यू डोंट डोंट हिट कॉमेडी क्लब सर्किट के मिनट किसी ओपन माइक पे कर कर लिया ड्रॉप बाय डू एनी ऑफ़ नहीं नहीं सर मैं, मैं से कोई भी नहीं वो, राहुल तो करता ही नहीं है हाँ राहुलर तो, है है, मतलब, तो राहुल का तो कोई मतलब वरुण भी जब करता है बॉम्बे में वो तो अपने पूरे पूरे शोज करता है मतलब <coughs> मिनट वाला सीन नहीं <coughs> तो तो ये... में हम पहुंच जाएंगे सर बाकी लोग वैसे डर जाते हैं वैसे करना है मैं तो इसलिए नहीं मतलब मैं तो जानता भी नहीं बहुत सारे हिंदुस्तान में जो है उनको तो आप बिल्कुल मसाइल होते हैं इंडियन कॉमिक्स में भी मीटू का बड़ा हो रहा था

कि संजय सर ने आके मेरे को जब उस वक्त डांट लगाई ना कि क्या बकवास कर रहे हो तुम पॉलिटिकल कॉमेडी में दम होता है और ये हो, और ये मुझे कोई मेमोरी भी नहीं है कि मैंने कब किया तेरे को यार ये मैंने नहीं सर आप मेरे गुरु हो मेंटर हो मेंटर आपने मेरे को ये सिखाए बोलना मैंने कहा कुणाल फालतू की अफवाहें मत उड़ा मेरे को कोई मेमोरी नहीं है कभी मैंने तेरे को जाके ये बोला बोलाओगे तू बकवास कर रहा है मैंने कहा ऐसा मैंने कभी करा ही नहीं तो बट मेरा जो जो भी कॉमेडी वर्ल्ड से जारी दोस्ती कुणाल कामरा से वरुण से मैंने तो उल्टा मैं लेटाइज ही मैं सब... मैं रहता हूं मैं तो उल्टा ये सुना है कि कोई अगर आपसे पूछता भी है कि ये चीज थोड़ी मसली है तो आप बोलते नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है और आगे जाओ और बोलो नहीं कोई नहीं पूछता मुझसे <laughs> मेरे से पहले तुम शायद पूछ लेते हो एक बार मैंने जाकिर खान को बहुत पहले एक एडवाइस दी थी तो वो सुन नहीं तू तो। ठीक है क्या थी एडवाइस आप शेयर करना जाए

उसके बाद मैं फिजिक्स में और फिजिक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था बहुत जल्दी लाइफ में तो मैंने बहुत बहुत साल इन्वेस्ट करे फिजिक्स पढ़ने में फिजिक्स मैंने पढ़ाई भी करी है फिजिक्स की मतलब फॉर्मल एजुकेशन भी और उस वो ख़त्म होने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस किया उसके बाद भी मैं फिजिक्स को मैंने आज तक भी मैं फिजिक्स इज माय गाइडिंग फोर्स इन लाइफ तो वंस यू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी इन योर लाइफ देन देर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजन

है ठीक है पैरेलल यूनिवर्स एक थ्योरी है बिग बैंग जो है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ठीक है क्योंकि उसका मैथमेटिक्स मुझे कन्विंस करता है उसका आर्ग्यूमेंट मुझे कन्विंस करता है और मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं ना टू प्लस टू फाइव है क्योंकि मेरा, मेरा बिलीफ है भैया टू प्लस टू फाइव है मैं तो मैं तो बिलीव करता हूँ एक दिन कयामत के दिन पता चलेगा टू प्लस टू फाइव ही है ऐसा तो नहीं है ना मैथमेटिक्स में टू प्लस टू तो फोर ही है तो अगर आप तो मैं उसका मैथमेटिक्स और उसका आर्गुमेंट सबसे ज्यादा कन्विंस करता है तो मैं उसमें सबसे ज्यादा अभी वो वाइल्डली एक्सेप्टेड थ्योरी तो ये यूनिवर्सिज वगैरह इस तरह से बहुत कुछ चल रहा है सर एक वो है कि टर्फ ऑफ यूनिवर्स जो है साइन वेव यूनिवर्स पहले बिग बैंग एक्सपेंशन फिर बिग क्रंच फिर बिग बैंग एक्सपेंशन फिर बिग क्रंच तो इस तरह से बहुत थ्योरीज है मैं आपको भेजूंगा एक लिंक अगेन uh, मेरी समझ से थोड़ा ऊपर है तो मैं उनका नाम भूल गया हूँ

सर जो इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं ना अब पता नहीं आप पढ़ूंगा हो सकता है ठीक दो दो है, है उसका वायलेशन जो है मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नहीं है कहीं पे भी ब्लैक होल्स में तो फिजिक्स ही कोलेप्स कर जाती है सारी की सारी ब्लैक होल्स की बात नहीं कर रहा मैं तो और जो स्पीडिकल लिमिट है स्पीड है, है तो उसमें कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स ही कुछ hmm. और है। लेकिन अगर यही लॉज ऑफ फिजिक्स उसके अंदर है तो ये जो फंडामेंटल लिमिट्स हैं ये वालेट नहीं हो सकती उसके अंदर आप मॉडल बना ले कितना भी अब ऐसे तो ऑब्जर्वेबल की क्या बात है

इतना बड़ा पार्टिकल एक्सीटर बनाने के पैसे किसके पास हैं? आपने जो वो वेव थ्योरी की जिक्र किया था आई थिंक दैट दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग राइट के व्हेन थिंग्स कोलैप्स इन अ ब्लैक होल द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स रिलीज सो मे बी अ बिग बैंग इज एक्चुअली द बिग कोलैप्स इट्स द सेम थिंग कि अगर पूरी चीज एक छोटे से पॉइंट पर आएगी सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स बिग बैंग का तो वो है ना दैट बिकम्स द बिग बैंग अगेन इट्स इट्स द बिग बैंग नेचर ऑफ यूनिवर्स राइट जितना भी मास और एनर्जी अभी यूनिवर्स में है वो तो एक सिंगुलरिटी तो था उसी से तो फिर बिग बैंग हुआ एक अब्दुल सलाम साहब नहीं है अहमदी कह के जिन्होंने आपको दरकनार कर दिया अब्दुल सलाम ने एक किताब लिखी है स्टीवन वेनबर्ग के साथ मिल द फर्स्ट थ्री मिनट्स विच इज अबाउट द फर्स्ट थ्री आफ्टर द बिग बैंग इतनी मोटी किताब है अबाउट द फर्स्ट थ्री मिनट्स कभी मौका लगे तो आप उसको पढ़ना ये सारे सवालों के जवाब वहां पे मौजूद है

बट देंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी देंस ऑफ दूनिवर्सिंग इट्स ओन पावर देंस ऑफ एनर्जीज किसी से आपको बुरी एनर्जी आ रही है किसी से अच्छी एनर्जी आ रही है आई डू प्लेस वैल्यू इन दीज थिंग ये मुझे कोई बता नहीं रहा लेकिन मेरी mm. जिंदगी भर या लट से अगर खुदा नहीं भी है हजारों साल इंसान इन्वॉल्व किया है कुछ इंस्टिंग आपकी बनाई है कि यार मुझे अगर कलरफुल जानवर नजर आता है यह जहरीला होगा

सम्बद्धी ब्राउट ए जाने को होम एंड दें द स्नेक बिड दैट पर्सन या डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कोर्ट की थी तो बड़ी फेमस हो गई थी दैट यू ऑलवेज न्यू इट वाज ए जाने को गलती तुम्हारी है नहीं वो तो है ना कि वो तो तो स्पिरिचुअलिटी ना ना बड़ी वेग बातें करते हैं कि इट इस ऑल इनसा�

आप तो उसमें छोटे सी वो को, कल कोई एस्ट्रोइ आके हिट भी कर जाएगा जिसको पता भी नहीं पड़ेगा यूनिवर्स को देने का फर्क नहीं पड़ता लेकिन इंसानों की फितरत क्या है उनको ये लगता है कि गॉड इज वॉचिंग अस और जो गॉडमैन नहीं वो करते हैं वो रजनी जैसे फ्रॉड होते हैं ओशो जैसे या सदगुरु और ये जो बने हुए श्री श्री इंडिया में फ्रॉड बने की बातें करते रहते हैं क्वान्टम द क्वांटम ऑफ लव अब क्वांटम का मतलब पता है तेरे को क्या है क्वांटम ऑफ लव क्या होता है और और कुछ लोग होते हैं क्योंकि उसने क्वांटम वर्ड यूज कर दिया तो लोग ही ही वेरी वेरी साइंटिफिक 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 इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज अ कॉमन फ्रेज इन इंग्लिश तुम उसको स्पिरिचुअलिटी में लगा के बोल मैं देखो मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं अगर पूछ लो एक्सिलेशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है तो पता ना चले आई थिंक आर डिफरेंट राइट द प्रॉब्लम इज जब आप स्पिरिचुअलिटी को नॉलेज समझना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा बिलीफ है कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कोरोना नहीं होगा इसलिए मैं जाके लोगों से गले भी मिल दैट इज बिहेवियर या मेरा बिलीफ hmm. है कि जी इफ आई वर्शिप द गाय इसमें कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा दैट्स अगेन फूलिशनेस पर hmm. अगर आप नॉलेज के रैल को अलग रखें और फिर आपके कुछ hmm. बिलीव हैं आपके कुछ इवन थिंग्स दैट वर्क फॉर यू राइट लाइक मैनिफेस्टेशन कोई साइंस में उसका कोई साइंस में उसकी

आपको ये ए, कितनी मतलब आपने हजारों बार हजारों चीजें मांगी होंगी यूनिवर्स में एनर्जी छोड़ छोड़गी जिसको आप एनर्जी कह रहे हो वो भी बड़ा डूबियस वर्ड आपने यूज किया क्योंकि एनर्जी एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ है जो एनर्जी आपने छोड़ी यूनिवर्स में कि भाई ये संजय से बात हो जाए वो होगी किसी तरीके से हमारी कॉमन फ्रेंड निकल आई ठीक है लेकिन कम से कम दस बातें ऐसी होंगी जो आपने छोड़ी जो नहीं हुई लेकिन आप लोग उस लॉर्ड दिस थिंग्स आर नॉट साइंस नो नो दिस इज आई एम टेलिंग द साइंस दिस इज मैनिफेस्टेशन स्टिल हैज पावर नो नो दिस इज नॉट साइंस दिस इज दिस इज अ रैंडम इवेंट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हां हां तो सो लाइक क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज एन एक्सीडेंट ऑफ फेट योर योर बर्थ इज एन एक्सीडेंट ऑफ फेट अब ये मैनिफेस्टेशन क्या है कि

मुझे अगर दिल में दर्द हो रहा है मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा मैं डॉक्टर के पास ना जाऊंगा दैट्स स्टूपिडिटी देन बट देयर इज स्टिल सम पॉसिबिलिटी राइट जिस तरह आप शिया लोग हैं वो मातम करते हैं उनसे आप बात करें वो कहते हैं हमें दर्द नहीं होता मार रहे हैं एक दूसरे को زنجیر हैं इधर ब्लीडिंग अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं वो कोयलों पे चलते हैं कहते हैं हमें दर्द नहीं होता सर ऐसा ना मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था सर्दियों का टाइम था दिसंबर के टाइम था जब मैं क्रिकेट खेलता था तो ग्रीन टॉप विकेट पे बैटिंग कर रहा था तो उसने बाउंसर मारी तो मतलब की कोशिश करी बॉल को, वो से मिस हो और, मेरे नहीं के नहीं, नहीं बॉल। पे और फट गया पूरा फट गया और खून 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 नीचे बहने लगा तो मेरे कोई खास महसूस नहीं हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी है बाद में जब वो जब वो स्टिचेस लगाने गए तो मेरे को एनेस्थीसिया मुझे आई डोंट Like to be नहीं, तो नहीं, नहीं यारे सात लगेंगे तो नतीजा देना मैं, मुझे नहीं चाहिए यार, तो ऐसे लगा। तो उसने मेरे ऐसे ही स्टिचे लगा दी मुझे तो कोई दर्द भी नहीं महसूस हुआ सर तो इसको मैं क्या बोलूँ अब आप जिसको बोलो ना मैनिफेस्टेशन आप मेरे से जो जैसे ये पॉडकास्ट होगी नहीं आपने ट्वीट किया होगा किसी ने देखा होगा आपने कहीं डाला होगा उसने देखा होगा

मैनिफेस्टेशन है उसमें ये भी होता है ना कि अगर मैं मन में मैं ट्वीट ना करूं मैं डायरी में लिखूं बट मैं खुद तो रोज रिपीट कर रहा हूँ ना मेरे अंदर तो वो बात जा रही है उसके तो मेरा या उसकी एक रैशनल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी बट आर ऑल्सो मेकिंग थिंग यूर शॉर्ट ऑफ इन कंट्रोल ऑफ वॉट यू डू

That's, that's, uh, वो तो एक मतलब आपको मन में है कि ये करना है लेकिन आप इसमें एक एक लार्ज इश्यू जो मेरे को पता है क्या है कि ये भी जो स्पिरिचुअलिटी का जो आइडिया और जो मैनिफेस्टेशन की थ्योरी आप मेरे को दे रहे हो ना ये अगर आप गौर गौर देखें ना तो मैंने कभी किसी गरीब आदमी को किसी मजदूर आदमी को स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हुए नहीं देखा वो उसको उसका मैनिफेस्टेशन कितना भी को, कल को मेरे को ना उसका इतना सा कल को मेरे को बस कल शाम के खाने का जुगाड़ हो जाए मैं अपने बच्चों को खिला सकूं वो कभी पूरा नहीं होता ये जो प्रिविलेज एलिट है यही स्पिरिचुअलिटी को अफोर्ड कर सकता है यही बोल सकता है क्योंकि मैं ऑस्कर चाहता था या मैं फातिमा भुट्टो से बात करना चाहता था तो ये हो गया लेकिन जो मजदूर आदमी है जो जून की दोपहरी में रिक्शा चला रहा है उसको मैंने कभी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हुए उसको कभी विपाशना जाते हुए नहीं देखा उसको कभी मैंने नहीं देखा कि अगर मैं दिल से चाहूं तो मैं उसी तरह से अपनी हरकतें चेंज करूंगा और वैसा होता चला जाएगा इट इज स्पिरिचुअलिटी अगेन पुअर कंट्री कजन ऑफ रिलीजन जैसे रिलीजन और ओपियम ऑफ मास बनाया गया ना कि गरीब को ये बता दे कि भाई कोई तो है थे, तो अभी दुख झेल रहा है कोई है लेकिन आखिर में तेरे को आके वो, वो करना पड़ेगा ठीक है स्पिरिचुअलिटी ना एलिट के लिए ये हो गया है जैसे कि भाई अब मैं दस एक साल विपाशना में बिताऊंगा या मैं स्टीव जॉब्स आता है यार पहाड़ों में इंडिया में वो स्पिरिचुअलिटी लेने के लिए और तो कोई मैंने आता देखा नहीं अगेन वो मे बी साइको की बात कर रहे हैं लेकिन लेकिन हम अगर गाने गा रहे हमारा गरीब अगर भूख हड़ताल हाँ। करता है किसी किसी पोलिटिकल वजह से भूख हड़ताल करता है उसकी बॉडी को भूख लग रही है बट ही देखी होगी आपको आग जला देता है लेकिन वो अपनी पोजिशन नहीं छोड़ता जिस वो बैठा हाँ। गर, तो हाँ, हाँ, तो है रहता है वो क्या भूकड़ताल करेगा तो रोजमर्रा की जिंदगी भूकड़ताल तो इवन ये जो बुद्धिस मोंग ने अपने आपको जलाए थे वो इकोनॉमिक वजह से जलाए थे ना सर But वो हुआ था यू आर एबल टू सिट थ्रू बीइंग बर्नड टू डेथ हां सर वो तो आप तो बुद्धिस्ट मंक की बात कर रहे हो लेकिन इंडिया में तो uh, 19 सेंचुरी में सती प्रथा थी हिंदुओं में जहां पे किसी औरत का पति मर गया तो उसकी चिता में उस औरत को ही जिंदा जला देते थे और वो खुशी जिसको ये जौहर बोलते थे राजपूत खुशी खुशी खुद जाती थी जलने के लिए दीज ऑल आर इरेशनल बिलीफ सिस्टम्स माय माय थिंग इज मैं आपको ये कॉल खत्म होने के बाद मैं अपना एक आर्टिकल भेजूंगा आप उससे इतफाक ना रखें तो लिख लिख के भेजना मेर, मेरा सिर्फ कहना ये है कि स्पिरिचुअलिटी का जो आज की डेट में भी देखो दीपक चोपड़ा नहीं है एक बेवकूफ वो जो को वो करता रहता है बकवास करता रहता है बर्कली में जाके फिजिसिस्ट के सामने क्वांटम मैकेनिक्स पकड़ा उन्होंने उसकी क्लास ले ली खाम उस बेवकूफ को यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू जितना ज्यादा बोल रहा है उतना अपने आप को हसी का वो बना रहा है पात्र बना रहा है है बकवास करे जा रहे करे जा रहे मैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये आपने आप चलो अपने आप ये तो बहुत ही सिंपल प्रूव करने वाले होते हैं एक्सपेरिमेंट करके दे, रहा हूँ आपको छोटा सा आज आज आप ये मैनिफेस्टेशन करो कि मुझे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मुझे जो है क्या क्या चीज चाहिए आपको बताओ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक

सर वो तो दोस्तों दोस्तों में भी हो जाता है वो तो बिकॉज़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लेकिन बट देयर इज अ रीज़न दिस नहीं होता है, है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ रहा होता है तो जया बच्चन को पता चल जाता है मतलब अगर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है जया बच्चन जाहिर बात है तो ये आवाज आ जाएगी शाहरुख खान हेलीकॉप्टर में आ रहा है इट्स नो हायर पावर ओवर देयर सर कैन नॉट देयर इज अ रीज़न वे आर कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स बट एनीवे दिस डिस्कशन इज समथिंग व्हिच शुड बी हैड इन पर्सन नेक्स्ट टाइम यू आर इन दिल्ली और आई मीन कराची एंड मे बी विद 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 साइकेडेलिक्स

जो थी और दिल से कुछ और किताब निकल रही थी तो देन आई अभी मैं सोच रहा हूँ उसका क्या करूँ कुछ और एक आइडिया मेरे दिमाग में घूम रहा है तो किताब तो होगी वो एक दिन What changed for you in Karachi in those eight years? सर पहली बार जब मैं आया था तब तो मैं uh, मतलब I was like a kid who was brought to an amusement park for the first time. So हर चीज को बड़े गौर से देख रहा था. बाय द टाइम अब तो मेरे को ये है मेरे को गली गली चप्पा चप्पा पता है मैं अपने दोस्त के घर पे था तो मैंने कहा यार जब बी एटर लेके आते हैं वो बेचारा पीता नहीं है उसको पता ही नहीं कहां से कहा संजय भाई मुझे तो पता नहीं मैंने तू बैठना मैं तेरे को लेके चलता हूँ मैं उसको ले जाके खुद गली मोहल्ले में कॉलोनी को, वगैरह में ले जा के मैंने कहा उठाते हैं यहाँ से कहते यार आपको तो यहाँ ठेके तक मालूम है मैंने कहा ऐसी थोड़ी घास खोद रहा हूँ मैं यहाँ पे आके

मैं कभी गया नहीं बट कराची का तो ये है कि मुझे वो शहर बड़ा दिलचस्प लगता है पर इतने कम पीरियड के लिए आना होता है ना तो सर दोस्तों से मिलने में ही टाइम चला जाता इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं सिर्फ मिनट के लिए उसना से मिला था सर आगा खान हॉस्पिटल में तो मैं नाजमाबाद से अपने दोस्त के घर से आ रहा था और मेरे साथ एक और दोस्त था तो उस, उसकी गाड़ी में थे तो दस मिनट के लिए मैं वहां पे मिला सिर्फ तो इतना मतलब इतने में आप क्या शहर को मतलब ठीक से पहचानोगे कहाँ आप कहानियां ढूंढने जाओगे ऊपर से पीछे पीछे हर टाइम आपके बंदे रहते हैं वो अब तो नहीं रहते क्या यार रहते भी होंगे तो मुझे पता नहीं चलता तो पहले तो पहले तो बात ही कर लेते थे आगे बट दैट्स दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल टुगेदर सो आई वांट टू पुट इट डाउन ऑन पेपर सम सून

वो वो भी बहुत बढ़िया है वो उसी बारे में जिसमें हमने पहले बात करे थे ना कि लिबरल्स का जो मॉब में लिबरल्स देखे का देखे जो देखे हाँ के इसको कैंसिल करो उसको कैंसिल करो और जो लिबरल का ये कैंसिल कल्चर है वेरी इंटरेस्टिंग टेक वो भी एक अच्छी किताब है अभी एक एक और इंटरेस्टिंग किताब मेरे पास पिछले हफ्ते आई है गांधीज हिंदुजम एंड जिन्नाज इस्लाम तो ये सब किताबें पढ़ रहा हूँ सर मैंने सुना है भी विनय की भी एक बहुत अच्छी कोई किताब आई है जोगलबंदी somebody recommended that i have read it विनय हु विनय पाठक अह विनय सेनापति समथिंग मैं भूल गया बिल्कुल नाम सॉरी आई एम रियली बैड विजय सतपति शायद विजय सतपति जी hmm. सॉरी 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 <laughs> मेरे hmm. मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते मुझे लगता है कि मेरी उम्र हो रही है मेरी मेमोरी खत्म हो चुकी है बिल्कुल नहीं सर आपकी मेरी जितनी तो उम्र नहीं है ना पर आपने साइकेडेलिक्स नहीं किए ना सर मैं मैं अपना ब्रेन थोड़ा फ्राई कर चुका हूं आई थिंक <laughs> तो मैं मल्टीपल यूनिवर्सेस में रहता हूं ना तो मैं मेरी नहीं नहीं पर बड़े जो यंगर यंगर शज़ाद है उससे थोड़ा ले लो यार अभी जाता हूं <laughs> अभी अगली अगली मीटिंग में उनसे मिलकर आता हूं मैं हां बड़ा आपने एक आखिरी बात जरूर करना चाहता था अभी आपको जो इंडिया डिकोटेड बड़ी

वो uh, बोला होगा हाँ साउंड्स लाइक मी ओनली तो यही है सर आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दिस राइट कि कैपिटलिज्म असल हमारी जंग इसके खिलाफ है uh, नहीं सर मैं वो, वो सर कास की एक बहुत इंपॉर्टेंट जंग है सर हिंदुस्तान के अंदर hmm. जो वो वो भी और हिंदुस्तान से मेरा मतलब सब कॉन्टिनेंट से ही है मतलब

Uh, कोई आपको अभी इमीडिएटली आर्टिकल भी भेज रहा हूँ ठीक है आई थिंक मुझे लगता है कि इसके बाद हम एक दूसरे को काफी आर्टिकल्स और लिंक्स और पॉडकास्ट वगैरह भेजते रहेंगे यही तो मैनिफेस्टेशन है तो। <laughs> मुझे लग रहा है I'm, I'm about to be a part of your next set with my I sound like सतगुरु but I don't live like सतगुरु I I do like listen yeah, to लॉट ऑफ of course of he has a, he has a lot of money, so some... <laughs> हाँ, मैं इस तरह की बातें बातें जरूर करता हूँ मैं बिकॉज आई आई फाइंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग इवन इफ आई डोंट बिलीव इन दैम I I do like reading about them. So ये भी सर्न की और ये कंस्पिरसी थ्योरीज और इस तरह की चीजें पढ़ता मैं सारी हूँ इंटरेस्टिंग मुझे सारी लगती हैं, बट आई डोंट लिव माई लाइफ थिंकिंग ऑल कंस्पिरसी थ्योरीज की तो ये ही वो बात होती है ना कि वो इंटरेस्टिंग लगती हैं सारी की सारी बट अल्टीमेटली है वो कंस्पिरसी थ्योरीज हाँ। जैसे सी तो yeah, so, uh... like uh -huh. थ्योरीज uh -huh. right? like, होती है वो उनमें कभी कभी थोड़ा बहुत सच होता है आई एम नॉट सेइंग हैल बट थिंग्स लाइक जरा पाकिस्तान में इस तरह के घटिया ओपिनियन है कि पोलियो वैक्सीन में मर्द को कमजोर करने की वो दवाई मिलाते हैं इसराइल का प्रॉपर है पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखो अगर वो

उनको कवरेज देते बस उनका धंधा बंद हो रहा है एंड आर्म्स लॉबी इज वेरी पावरफुल या इजराइल में हो चाहे अमेरिका में हो यही हथियार बेच रहे हैं सारी दुनिया को आई मीन इन बोथ ऑफ आवर कंट्रीज हैव suffered फ्रॉम पॉलिटिकल असैसिनेशंस एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं बट but... वो किसी को पता hmm. नहीं चल सकता उन चीजों के बारे में हां जियागो सच तो किसी को नहीं पता है तो मैं भी मानता हूं द ट्रुथ इज आउट देयर

और क्या इनको बोलेंगे और मोदी को पॉलिटिसाइज क्या करने मोदी इज अ पॉलिटिकल फिगर उसको उसको क्या पॉलिटिसाइज करेंगे विराट कोहली को थोड़ी पॉलिटिसाइज करेंगे कर कर रहे रहे हैं हैं मोदी मोदी को इज अ पॉलिटिकल फिगर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी चाहिए ना कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज एक्चुअली टू सर्व द पीपल पीपल आर नॉट देयर टू सर्व द गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड डिफेंड पीपल या लोग डिफेंड कर रहे हैं, हैं। government. गवर्नमेंट आप टैक्स भर रहे हो आप इनको अपना इनको सैलरीज दे रहे हो और आप ही इनको डिफेंड कर रहे हो तो भाई इनसे हिसाब तो मांगोगे ना यार एक, एक ज़ाहिर सी बात है हिसाब तो मांगोगे ना भगवान थोड़ी है कि इनकी पूजा करने लग जाओगे Exactly how I feel about our governments. And interestingly, लोगों लगता है मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान में जो इंडियन एजेंट बोलते हैं बिकॉज मैं इमरान खान को बहुत क्रिटिटाइज करता हूँ सर आप आ जाए बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर इसका लिंक मेरे को भी भेज देना मैं भी अपने कुछ पाकिस्तानी सर ठीक है sir.